स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। आपको इस समय लेखांकन की प्रणालियों को बताया जा रहा है, जिसमें इसके पहले की वीडियोस में आपने दोहरा लेखा प्रणाली को देखा था, फिर आपने कैश प्रणाली को देखा था, उसके बाद आपसे इकहरा लेखा प्रणाली पर चर्चा की गई थी। इस वीडियो में आपको पढ़ाई जाने वाली प्रणालियों में लास्ट प्रणाली भारतीय लेखा प्रणाली के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय लेखा प्रणाली का जो उद्भव है वो भारत में ही हुआ था, जिसके कारण इस प्रणाली को भारतीय लेखा प्रणाली कहा जाता है। क्योंकि इस प्रणाली का प्रयोग अधिकतर भारत में जो महाजन होते हैं, जो सेठ होते हैं, जो सर्राफ हैं, जो साहूकार हैं, अधिकतम उनके द्वारा किया जाता है, इसलिए इस प्रणाली को महाजनी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अगर भारतीय लेखांकन प्रणाली या लेखांकन की भारतीय प्रणाली की हम बात करें, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस पद्धति का उद्भव भारत में प्राचीन काल में हुआ। इसमें हिसाब रखने के लिए लंबे आकार की बहियों का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली आप देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में या कैश सिस्टम में जो भी हिसाब किताब की बहियां होती हैं, उनका शेप A4 साइज के पेपर के तरह ऐसे होता है, जिसमें लेखांकन की क्रियाएं इस तरह से की जाती हैं। लेकिन अगर डबल एंट्री, अगर ये इंडियन सिस्टम की बात करें, तो यहां पर जो बहियां प्रयोग की जाती हैं, उन बहियों का आकार ऐसे लंबा होता है। इस तरह से बहियां होती हैं लंबे आकार की, जिसमें लेखांकन का कार्य इस तरह से किया जाता है। तो पहली विशेषता तो यह है कि इसमें जिन बहियों का प्रयोग किया जाता है, वे बहियां लंबे प्रकार की होती हैं। दूसरी बात यह होती है कि इस इन बहियों के ऊपर लाल रंग का कपड़े का जिल्द चढ़ा होता है, जिसके कारण इन बहियों का जो कवर होता है काफी मजबूत होता है। अच्छा, मजबूत होने के पीछे कारण ये होता है कि इन बहियों को ऐसे ऐसे फोल्ड करके रखा जाता है या इसे रोल बना के रखा जाता है। तो चूंकि बार बार रोल बनाना होता है, तो अगर ये कपड़े का इसका कवर पेज नहीं होगा तो ये जल्दी खराब हो जाएगा और फट जाएगा। तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसका जो कवर होता है वो लाल रंग के कागज का, लाल रंग के कपड़े का बना होता है, और वो काफी मजबूत तरह का कपड़ा होता है, जो कि बहियों को एक लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं इस प्रणाली में, भारतीय लेखांकन प्रणाली में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इसे अन्य प्रणालियों से बिल्कुल अलग करती हैं। ठीक है, तो उनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है कि पृष्ठों पर सलों का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल वे में अगर हम अकाउंटिंग का कार्य करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, सिंगल एंट्री सिस्टम में, या कैश सिस्टम में, या आप उसे कहें तो और भी जो प्रणालियां हैं उनमें हम क्या करते हैं कि लाइनें खींच देते हैं। ये डेट की लाइन है, ये पर्टिकुलर की लाइन है, ये अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, इस तरह से हम लाइनों का प्रयोग करते हैं, और उन लाइनों के अंदर हम अलग अलग हेड बना के लेखांकन का कार्य करते हैं। लेकिन इस प्रणाली की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इनकी जो बहियां होती हैं, ये सपोज दैट ये लंबी सी एक बही होती है, इस बही के जो पेज होते हैं उनको पहले से ही फोल्ड किया गया होता है, इनमें सले बनाई जाती है। सल का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई पेपर लें और उस पेपर को हम फोल्ड कर दें, उसको प्रेस कर दें, तो जब उस पेपर को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें एक फोल्डिंग का निशान बना होता है, तो उस निशान को ही सल कहा जाता है।
सल का मतलब क्या है? सलवटें, मींस किसी चीज को अगर जब हम फोल्ड कर देते हैं और उसको प्रेस कर देते, दबा देते हैं, तो दबाने से उस फोल्डिंग पे जो निशान बन जाता है वो निशान ही सल कहलाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो पेज होते हैं उनको आवश्यकता अनुसार उन पेज को 6 भाग में, 6 या 8 सलों में इसको फोल्ड किया गया होता है। ये सारे पेज 6 भागों में और 8 भागों में, दो तरह की बहियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ बहियों को 6 भागों में फोल्ड किया गया होता है और कुछ बहियों के पेजेस को 8 पार्ट्स में, 8 भागों में फोल्ड किया गया होता है। तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पे विवरण लिखने के लिए, दिनांक लिखने के लिए लाइनों का, स्तंभों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उनको सेपरेट करने के लिए, लेखों की विभिन्नता को सेपरेट करने के लिए सलों का प्रयोग किया जाता है, पेज को फोल्ड किया जाता है। दूसरा बात है लेखांकन में काली स्याही का प्रयोग, बहुत ही अद्भुत बात है। दोहरा लेखा प्रणाली में या इकहरा लेखा प्रणाली में या कैश सिस्टम में, इन प्रणालियों में हम ब्लू पेन का प्रयोग कर सकते हैं, उसका टोटल करने के लिए रेड पेन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन सिस्टम है, भारतीय बही खाता प्रणाली है, उसमें हम किसी और तरह की इंक का प्रयोग नहीं कर सकते सिवाय काली स्याही के। इसमें जो भी लेखांकन का कार्य किया जाता है वो उसको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ काली स्याही का प्रयोग किया जाता है। जो भी लिखावट होती है वो काली इंक से लिखी जाती है। नेक्स्ट और बात है क्षेत्रीय भाषा में लेखांकन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस प्रणाली का प्रयोग, लेखांकन का प्रयोग, इस प्रणाली का प्रयोग महाजन, सेठ, साहूकार, सर्राफ, जो कि वहां की एक लोकल बॉडी होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो और वे लेखांकन को करने के लिए जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र की भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई क्षेत्र है अवधि क्षेत्र है, तो वहां पे अवधि शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। उड़ीसा है तो वहां पे उड़िया भाषा का प्रयोग कर लिया जाता है। तो जिस जगह पर इस लेखांकन की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है उस जगह की क्षेत्रीय भाषा में लेखांकन का कार्य किया जाता है। नॉर्मल वे में, दोहरा लेखा प्रणाली में और अन्य प्रणालियों में देखा जाता है कि लेखांकन का कार्य या तो हिंदी में किया जाता है या फिर इंग्लिश में किया जाता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो लेखांकन का कार्य है वो क्षेत्रीय भाषा में किया जाता है, कि अगर 20 या 25 किलोमीटर के रेंज में भाषा बदल जा रही है तो उस लेखांकन की क्रिया में उस क्षेत्र की भाषाओं का प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रणाली में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जमा एवं नाम पक्ष द्विपक्षीय प्रणाली पर आधारित। देखिए जैसे डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट होता है, वैसे ही यहाँ पे हिंदी में जमा और नाम पक्ष होते हैं। और इसमें भी जब भी कोई लेन देन किया जाता है, जब भी कोई व्यवहार या सौदा किया जाता है, तो वो प्रभावित होने वाले दोनों पक्षों की पुस्तकों में लिखा जाता है। अब दोनों पक्षों की पुस्तकों में लिखने से फायदा क्या होता है, एक पक्ष के डेबिट साइड में या जमा पक्ष में और दूसरे पक्ष के नाम पक्ष में इसका लेखा किया जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट, जमा और नाम, क्योंकि दोनों पक्षों में लिखा होता है इसलिए इसको द्विप्रविष्टि प्रणाली पर आधारित माना जाता है। यद्यपि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली की यह विशेषता पाई जाती है, जिसके कारण इसे भी वैज्ञानिक प्रणाली का दर्जा दिया जाता है। ये प्रणाली काफी विश्वसनीय है और जो रिजल्ट देती है, जो परिणाम देती है, वो भी दोहरा लेखा प्रणाली की तरह बिल्कुल सटीक और व्यवस्थित परिणाम देती है। इसलिए भारतीय लेखा प्रणाली को भी वैज्ञानिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू और बाई का प्रयोग ना होना। नॉर्मली जब हम कोई खाता बनाते हैं तो उस खाते को बनाते समय हमें डेबिट साइड में टू और क्रेडिट साइड में बाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारतीय लेखांकन प्रणाली में टू और बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल क्लियर है, गलती से भी हमें यहाँ पर टू और बाई का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इस पद्धति में पहले राशि फिर विवरण लिखा जाता है। इसके लिए देखिए सपोज दैट हम आपको एक इसका एक डायग्राम बना के दिखाते हैं कि जैसे अगर पेज को 8 सलों में फोल्ड किया गया है, तो देखिए ये चूंकि ब्लैक बोर्ड है
इसमें हम आठ सलवटें बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, इस तरह से आठ सले, पेज को इस तरह से मोड़ा जाएगा, ये आठ निशान यहाँ पे बनेंगे, आठ खाने हमें वहां पे प्रदर्शित हो जाएंगे। तो इसमें जो चार खाने होते हैं, एक दो तीन चार, मीन्स ये फोर कॉलम्स जो होते हैं ये हमारे जमा पक्ष के होते हैं, और बैलेंस के जो फोर कॉलम होते हैं वे हमारे नाम पक्ष के होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो राशियां लिखी जाती हैं उनमें इस तरह का एक सिंबल बनाया जाता है, और इस सिंबल की विशेषता ये है कि इसे पहले कॉलम में बनाया जाता है। इसे किस में बनाया जाता है, पहले कॉलम में बनाया जाता है। तो पहला कॉलम इस जमा पक्ष का पहला कॉलम ये हो गया, और नाम पक्ष का पहला कॉलम ये हो जाता है। इसको बकाई के नाम से जाना जाता है, ये जो सिंबल होता है इस सिंबल को हम बकाई के नाम से जानते हैं। और इस सिंबल की जो विशेषता है, इसमें रुपए और पैसे का जब वर्णन करना होता है तो जैसे हमें 6 रुपए 50 पैसे लिखने हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हम 6 रुपया और 50 पैसा लिखते हैं। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस प्रणाली में अंग्रेजी गिनती का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि हिंदी गिनती का ही हम प्रयोग करते हैं, भारतीय बही खाता प्रणाली है तो भारतीय गिनती का ही यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और जैसे ये क्षेत्रीय भाषा है तो नॉर्मल में वहां भी गिनतियां पाई जाती हैं, लेकिन वहां की जो भाषा होगी उस भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। इसमें तो इसमें जो रुपया लिखा जाता है, इस बकाई के बाएं पक्ष में रुपया लिखा जाता है और इस बकाई के दाहिने पक्ष में पैसा लिखा जाता है, ये भी एक विशेष बात है। तो अब इस जो ये एक दो तीन चार, चार कॉलम में जिसको अलग किया गया है, चार जमा पक्ष है और चार नाम पक्ष है, तो इन चारों में जो पहला कॉलम होता है जिसमें अमाउंट लिखा जाता है उसको सिरा के नाम से जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सिरा। और बाकी के जो तीन कॉलम बचते हैं, इन तीनों कॉलमों को पेटा कहा जाता है। ऐसे ही इधर ये हमारा क्या कहलाएगा, सिरा कहलाएगा, और बाकी की ये कॉलम हमारे क्या कहलाएंगे, पेटा कहलाएंगे। तो सिरा में क्या होता है, इसमें सिरा में रकम लिखी जाती है और पेटा में विवरण लिखा जाता है जो भी हमने लेन देन किया है। यहाँ पे भी सिरा में क्या लिखा जाता है, रकम या रोकड़ लिखी जाती है, और पेटा में क्या लिखा जाता है, विवरण लिखा जाता है। ये भी इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें सल बनाई जाती है, सल का जो पहला कॉलम होता है सिरा कहलाता है और बाकी के कॉलम पेटा कहलाते हैं। दो भागों में, चार चार सलों को लेकर दो भागों में से डिवाइड किया गया होता है, पहला भाग हमारा जमा पक्ष कहलाता है, दूसरा भाग हमारा नाम पक्ष कहलाता है, और इसे क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाता है। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि पहले इस राशि में राशि, पहले इस प्रणाली में पहले राशि लिखी जाती है फिर विवरण लिखा जाता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद उस अमाउंट का विवरण यहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे उसके विवरण को हम यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि प्रतिदिन हिसाब से पूर्व जो हम नए दिन पे नए पेज का हिसाब लिखते हैं अपनी जो हमारी रफ बुक होती है, तो उसमें क्या करते हैं, हम प्रतिदिन सबसे पहले अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। जैसे अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो वहां पे सबसे पहले ऊपर वो लिखेगा श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। कोई यह भी लिख सकता है कि श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय। इस तरह से जिसके जो इष्ट देव होते हैं ये अपने इष्ट देव की आराधना इसमें पेज में ऊपर सबसे पहले करते हैं। वहां पे पन्ना संख्या भी ये मेंशन करते हैं कि कौन सा ये पन्ना संख्या है, और लिखते हैं कि ये कौन सी पुस्तक है, मीन्स कच्ची रोकड़ बही है या पक्की रोकड़ बही है, जमा नकल बही है या नाम नकल बही है, पुस्तक का नाम भी वहां पे लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नकद एवं उधार दोनों सौदों का लोका रोकड़ बही में लेखा किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मल वे में चाहे वो कैश सिस्टम हो तो कैश सिस्टम में रोकड़ बही बनाई जाती है और उसमें नकद लेन देनों को ही लिखा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, कैश बुक बनाई जाती है और उसमें नकद लेन देनों का ही लेखा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है इंडियन सिस्टम में कि हमारा जो लेखा, हमारा जो सौदा है, जो लेन देन है, वो चाहे नकद हो रहा हो या उधार हो रहा हो, दोनों का लेखांकन हम रोकड़ बही में करते हैं।
ध्यान देने की बात यह है कि जो लेखांकन हमारा नकद होता है उसका हम केवल एक बार लेखा करते हैं। मीन्स अगर धनराशि आ रही है तो जमा पक्ष में लिखते हैं, धनराशि जा रही है तो नाम पक्ष में करते हैं। लेकिन अगर उधार लेन देन की बात हो रही है तो उसका लेखा हम जमा एवं नाम दोनों पक्षों में करते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में विशेष जानकारी जब आपको इंडियन सिस्टम की अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ाया जाने लगेगा तो वहां पे बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेखांकन की अवस्थाएं। क्योंकि जब लेखांकन करना है तो इसके कुछ स्टेप्स जरूर होंगे, और वे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनका हम प्रयोग यहाँ पे करते हैं। तो पहला है हमारा प्रारंभिक अंकन। इसके स्टेप्स में जो पहला स्टेप है उसका नाम क्या है, प्रारंभिक अंकन। और इस प्रारंभिक अंकन को हम ओरिजिनल रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में प्रारंभिक अंकन को बोलते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। वर्गीकरण को हम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, और सारांश को हम समरी के नाम से जानते हैं। मींस ये तीन स्टेप्स में अपनाए जाते हैं कि जैसे ही कोई लेकर लेन देन होता है, जैसे ही कोई सौदा होता है तो उसके लिए हम रोजनामचा करते हैं। इस रोजनामचा को दोहरा लेखा प्रणाली में हम जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे इसे क्या करते हैं, रोजनामचा या नकल वही गर्रा बुक होती है, और जैसे ही कोई लेन देन होता है उसे उस रफ बुक में नोट कर लिया जाता है, और उस बुक का जो नाम है वो है रोजनामचा। मतलब रोज रोज जो भी लेन देन किए जा रहे हैं उनको इसमें लिख लिया जाता है या नकल वही। दूसरी होती है कच्ची रोकड़ वही, और फिर होता है हमारी पक्की रोकड़ वही। इसमें कच्ची रोकड़ वही और पक्की रोकड़ वही में अंतर क्या है कि लेन देन हुआ और इसे फिर हम कच्ची रोकड़ वही में नोट कर देते हैं, लेकिन जब पक्की रोकड़ वही बनाते हैं तो पक्की रोकड़ वही में अंतर क्या है कि एक व्यक्ति से किए गए सारे लेन देनों को पहले एक साथ लिख दिया जाता है। कच्ची रोकड़ वही में क्या हुआ कि जैसे राम ने लेन देन किया तो उनका लिख दिया, श्याम ने किया तो उनका लिख दिया, सीता ने किया तो उनका लिख दिया ना, फिर राम ने किया तो फिर लिख दिया, फिर सीता ने किया तो फिर लिख दिया, इस तरह से करते हैं। लेकिन जो पक्की रोकड़ वही होती है उसमें क्या करते हैं, जब हम राम का लेखा करते हैं तो राम से संबंधित समस्त लेन देनों को एक साथ लिख देते हैं, एक जगह लिख देते हैं, फिर हम श्याम का सब कुछ लिख देते हैं, फिर हम सीता का सब कुछ लिख देते हैं। मीन्स कच्ची और पक्की में यही अंतर है कि कच्ची रोकड़ वही में क्या होता है, जैसे लेखांकन होता है उसको उसमें रिकॉर्ड में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जब हम पक्की बनाते हैं तो एक व्यक्ति से संबंधित समस्त लेन देनों को एक जगह पर एक साथ लिखते हुए चलते हैं। ये कच्ची रोकड़ वही और पक्की रोकड़ वही में अंतर है। ऐसे ही जमा नकल वही होती है और नाम नकल वही होती है। जब उधार क्रय किया जाता है तो उधार क्रय करने के लिए क्रय वही की जगह जमा नकल वही बनाई जाती है, और उधार बेचने के लिए नाम नकल वही बनाई जाती है। तो ये हमारे प्रारंभिक अंकन है कि जब भी सौदे होते हैं तो उनका हम लेखांकन इन पुस्तकों में अलग अलग भी कर सकते हैं, या रोजनामचा में करने के बाद इसको हम वहां पे हस्तांतरित कर सकते हैं। दूसरी बात है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे कि क्लासिफिकेशन मतलब वही चीज है जो अभी हमने आपको बताया था कि इसमें जो लेन देन होते हैं उन लेन देन को दर्शाने के लिए लंबी वहियों में सलों का प्रयोग किया जाता है, और सलों के प्रथम भाग को सिरा, बाकी तीन भाग को पेटा कहा जाता है। प्रथम भाग में रकम लिखी जाती है, बाकी में विवरण लिखा जाता है। इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं उनको क्लासिफिकेशन करके, उनका वर्गीकरण करके बिल्कुल लिख लिया जाता है। तो और लास्ट पॉइंट है आपका सारांश या समरी। तो समरी में क्या है कि यहाँ पे अपने खातों की जो गणितीय शुद्धता है उसको ज्ञात करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली तरह यहाँ पे तलपट तैयार किया जाता है, जो कि खातों की अंक गणितीय शुद्धता को दर्शा देता है कि जो भी लेन देन किए गए हैं उसमें अर्थमेटिकल एरर्स नहीं है। और दूसरा अपनी आर्थिक स्थिति को जानने के लिए यहाँ भी चिट्ठा का निर्माण किया जाता है, स्थिति विवरण या बैलेंस शीट का निर्माण किया जाता है, जिसके द्वारा किसी भी संस्था का जो भी यहाँ पे लेन देन का कार्य कर रही है उस संस्था की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो लेखांकन की जो चार प्रणालियां आपको पढ़ाई जानी थी, पहली दोहरा लेखा प्रणाली, दूसरी गहरा लेखा प्रणाली, तीसरी कैश सिस्टम रोकड़ प्रणाली, और चौथी ये महाजनी प्रणाली या भारतीय लेखांकन प्रणाली।
इस तरह से आपको इन चारों प्रणालियों को बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको भारतीय बही खाता प्रणाली या भारतीय लेखांकन प्रणाली पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप प्रश्न कर सकते हैं, आपको यथासंभव संतुष्ट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।